हेलो डियर स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 समांतर श्रेणी की बेटा वर्कशीट हम सॉल्व कर रहे हैं 87, जिसमें आज हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे। गर्मियों में शरीर में नमी रखने के लिए सभी को ठंडे पानी की जरूरत होती है। मिट्टी के मटके पैसे और सेहत के लिए आज से भी आसान कीमत पर ठंडा पानी पीने के लिए एक अच्छा विकल्प है। तो इस तरीके से हमें दिया गया है, एक निर्माता ने तीसरे महीने में 250 यूनिट, यानी कि थर्ड टर्म अगर हमारे पास हम माने इसे, तो A3 मेरे पास 250 है, और उसके बाद छठे महीने में A6 हमारा कितना है, छठी टर्म कितनी है, 400 यूनिट। ये दो बातें हमें पता हैं। तीसरे महीने के बाद उत्पादन हर महीने समान रूप से बढ़ता है। इसके बाद आपका उत्पादन क्या होता है बेटी, समान रूप से बढ़ता है। समान रूप से बढ़ने के बाद क्या हो जाती है, इसका मतलब डी सेम है। डी सेम होने से हमारी क्या श्रेणी बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब क्वेश्चन देखते हैं। पानी के मटकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए समांतर श्रेणी बताइए और प्रति माह समान रूप से उत्पादित मटकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उससे पूछा फिक्स नंबर ऑफ पॉट्स यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस पर मंथ, हर महीने कितने उसके पॉट्स एक्स्ट्रा बनते हैं जो कि फिक्स नंबर है, डी डी बताना है एक तरीके से हमें। तो व्हाट इज A3 250, A6 400, और जब दो टर्म्स हमें पता होती हैं तो इनको सॉल्व करने से हमें क्या मिल जाता है, A और D, जो कि हम कई बार सीख चुके हैं। A6 इज A प्लस 5D, इसको लिख लेंगे, एंड A3 इज A प्लस 2D 250। अब दोनों को इकट्ठा लिख के सॉल्व कर लेंगे, माइनस करेंगे, ए से कैंसिल हो गया, 5 में से 2D गए, 3D बचा, और यहाँ 400 में से 150, तो आपके पास डी आ गया फाइनली 50। तो 50 पॉट्स वो हर महीने बढ़ाता जा रहा है, यानी कि तीसरे महीने अगर 250 है तो A4 क्या होगा, 300, फिर 350, और फिर देखिए 400 पे पहुँच गया। साथ ही बेटा हम इसका A भी निकाल लेते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 250 है ना हमारे पास, तब D की वैल्यू रखने से A प्लस 100 बन जाएगा, ये 2 × 50, और यहाँ पे बन गया 250। तो A कितना आ जाएगा जब 100 माइनस करोगे आप, 150। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में हमें D भी पता चल गया और A भी, और यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए दो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। उसके बाद वो हमें जिस भी संख्या का कोई सी भी टर्म निकालने को बोलता है या टोटल निकालने को बोलता है, हम निकाल लेते हैं ना। अब देखिए ये क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारी वर्कशीट में नहीं था, लेकिन एडिशनल मैंने इसमें डाला है जिससे हमारा फुल चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए। कौन से महीने में 850 मटकों का उत्पादन होगा। अब वो महीने की संख्या पूछ रहा है कि 11वें में होगा, 12वें में होगा, इसका मतलब n नंबर मांग रहे हैं हमसे। an टर्म कौन सी है वो पता है मुझे कि लास्ट हमारा कितना वैल्यू होनी चाहिए an टर्म की, 850, लेकिन वो टर्म कौन सी है ये हमें बताना है। तो लिख लेते हैं, a इज 150, d 50, an इज 850, और n हमें निकालना है। अब तीन चीज़ें हमें दी हैं, चौथी निकालनी है, आप an का फॉर्मूला लगाएंगे है ना, और जो एक चीज़ मिसिंग है उसको हम निकाल देंगे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, 150 को इधर जाके माइनस करते हैं, आपके पास आ गया 700। 700 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 50। अब ये जो 50 गुणा में है ये इधर जाके भाग में जाएगा, इसको जीरो से जीरो काटा, 14 आ गया n माइनस 1, माइनस 1 इधर आके प्लस हो गया, n इक्वल टू 15, ये हमारा आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, 8वें महीने में, यानी कि n है हमारा 8, पानी के मटकों का उत्पादन ज्ञात कीजिए। तो अब हमें A8 टर्म निकालनी, D इज 50, A इज 150, n इज 8 है ना। अब हमें A8 टर्म निकालनी, पिछले क्वेश्चन में n निकालना था, an टर्म की वैल्यू हमें दी थी। अब A8 होता क्या है, A प्लस 7D, बस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे आप,
आंसर इज 500। नेक्स्ट देखिए, 14 महीनों में पानी के मटकों का कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए। एन 14 है और हमें एस 14 निकालना है। अगेन ए गिवन है, डी गिवन है, एन 14 पता है, एस 14 निकालना है। चार चीज़ों से फॉर्मूला बनता है, उसमें से तीन चीज़ें दी हुई हैं। एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन टी। एस 14 की जगह एन की जगह आप 14 रख देंगे, 2a की जगह 150 गुणा में, फिर 14 में से 1 घटाएंगे 13 आ गया, और गुणा में d 50। 14 बटा 2 7, 2 गुणा 150 300 हो गया बेटा, जमा 650 यानी कि 7 गुणा 950, आंसर इज 6650। नेक्स्ट देखिए, कितने महीनों में 12,500 कुल मटकों का उत्पादन हो जाएगा। अब की बार हमें सम दिया हुआ है, इतना टोटल इतना है सारे महीनों के मटकों का उत्पादन मिला के देखा जाए तो, है ना, पॉट्स अभी तक उसने सारे अगर गिने तो 12,500 मिला के बना लिए। तो अब हमसे पूछा कितने महीनों में, अगेन हमें क्या बताना है, n बताना है, लेकिन दिया क्या है अब की बार एस एन, एन टर्म नहीं दे रखी जैसे सेकंड क्वेश्चन में टर्म दे रखी थी, लेकिन अब की बार एस एन दे रखा है। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार देखिए, समझिए कि आपको क्या दिया है और क्या मिसिंग है। एस एन अब की बार 12,500 है, एन हमें निकालना है। अब की बार हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, 12,500 लिख देंगे एस एन की जगह। देखिए एन नहीं पता, एन माइनस वन इंटू 50, 12,500 और ये जो दो नीचे है ना बेटा, ये इधर जाके गुणा हो गया तो क्या बन जाएगा, ये 25,000, यहाँ पे 300, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे 50n-50, अब ये बन गया 25,000 और ये 300 में से 50 को घटा देंगे 250, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलने जा रही है यहाँ पे, 50n² + 250n। सब कुछ एक तरफ ले आएंगे आप। यहाँ पे हमने क्या किया है, 50 कॉमन निकाल दिया, आप देख रहे हैं 50 यहाँ पे भी है, ये भी 50, 5 के टेबल से जा रहा है तो 50 जीरो से जीरो तो कट ही जाएगी, फिर 5 से भाग हो रहा है और ये भी एक जीरो कट जाएगी और 5 से भाग करने पे 500 बचा। तो क्वेश्चन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिख लिया, अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ तक हो गया बेटा, अब आप एक तरफ ले आएंगे n² + 5n - 500 = 0। तो जब मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे, a तो 1 है तो मुझे 500 के फैक्टर करने हैं, 25 और 20 जब आपने सोच लिए, क्योंकि जमा और घटा करने पे 5 आना चाहिए, बड़ी टर्म के साथ जमा का निशान, छोटी के साथ घटा का, ठीक है। ये सारी बातें हम कई कई बार समझ चुके हैं, तो आपको रिवाइज करने हैं, बार बार रिवाइज करना बेटा। अब फैक्टर आपके क्या बनेंगे, आपको मैंने आंसर भी यहाँ से बता रखा है, सीधा आपका आंसर आएगा घटा 25 जमा 20, इसका अपोजिट आते हैं आंसर, अगर ए 1 होता है उस केस में, ए यहाँ पे 1 है ना, तो जो आपने फैक्टर सोचे हैं उसके अपोजिट आपके आंसर आ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, फिर भी कर लेते हैं, n + 25 n - 20 = 0, क्या आ जाएगा, n - 25 और n - 20। अब n - 25 घटा 25 घड़े की बना सकता है बेटा, कभी नहीं बना सकता, देयरफोर इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसको आंसर को आप कैंसिल कर दोगे, लिख दोगे कि ये आंसर पॉसिबल नहीं है। तो फाइनल आंसर हमारा क्या रहा, n = 20, ठीक है, दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो ये केस स्टडी भी यहाँ कंप्लीट होती है, साथ साथ इस चैप्टर की रिवीजन भी आपकी कंप्लीट हो गई है। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।